शांति हमारा आज का विषय है दृष्टि वृत्ति कृति को बेहद का बनाओ बाप दादा निरंतर बच्चों पर वरदानों की वर्षा करते रहते हैं सिर्फ अमृत वेले और कर्म योग के समय दिल से वरदानों को याद करना दिल शिकस्त नहीं होना और जैसे स्थूल नयनों में बिंदु निरंतर चमकता रहता है ऐसे ही बाप बिंदु को भी नयनों में समा कर रखना तो ये नयन किसी और की तरफ आकर्षित नहीं होंगे और नयनों में बाप समाया हुआ होगा तो दिल में भी बाप ही समाएगा नयनों में और दिल में बाप समाया रहे इसका सहज साधन है बाप दादा साहिब को राजी करना और बाप दादा साहिब को राजी रखने की विधि है सच्चा दिल कहा जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी हर कर्म में सत्यवादी सत्यता ही महानता है सच्चे दिल वाला संकल्प वाणी कर्म और संबंध संपर्क में राजयुक्त होकर के चलेगा अर्थात हर बात में राज को जानने वाला होगा हम राजयुक्त हैं या नहीं इस बात को कैसे परखें तो इस बात की परख ये है कि जो राजयुक्त होगा वो कभी भी स्वस्थिति में नाराज नहीं होगा अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा और मन वाणी कर्म दृष्टि वृत्ति स्मृति किसी भी रूप में किसी दूसरे को नाराज नहीं करेगा वह अपने और दूसरों के संस्कारों को जानने वाला राजयुक्त तो होगा समय की मांग ये है कि अभी मन बुद्धि को स्वपन तक भी शुद्ध और शुभ बनाओ कई बच्चे रू रिहान में बाप दादा को कहते हैं कि बाप दादा आपने हमें शक्तियाँ तो सभी दी हैं लेकिन समय पर हम यूज़ नहीं कर पाते हैं और ऐसे समय पर बाप दादा बच्चों को एक्स्ट्रा मदद करते हैं क्योंकि बाप दादा जिम्मेवार हैं बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाकर के साथ ले चलने के लेकिन बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच कभी कभी ऑफ हो जाता है तो बाप दादा क्या करी और बाप दादा स्विच को ऑन करने की कोशिश करते हैं खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें समय लग जाता है और बाद में जब स्विच ऑन होता है तो बच्चे कहते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था लेकिन हमने कर लिया तो बाबा का यही शुभ संकल्प है कि मन और बुद्धि के कैचिंग पावर के स्विच को हमेशा ऑन रखो माया भले ऑफ करने की कोशिश करती है सेकंड में ऑफ़ करके चली जाती है आप बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया है संसार परिवर्तन का तो प्रकृति बाप को बताती है कि मैंने तो सफाई करने का काम शुरू कर दिया था लेकिन आपकी निमित्त बनी हुई आत्माएं दुविधा में थी करी या न करी अभी करी या थोड़ा ठहर के करी तो मैं क्या करूं तो बाबा ने पूछा कि मैं प्रकृति को क्या उत्तर दूं बाबा ने कहा कि हे विश्व परिवर्तक आत्माओं अभी प्रकृति को और सफाई करने वालों को दुविधा में मत लाओ कभी कभी निमित्त बने हुए बच्चों के मन में ख्याल आ जाता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा अब निमित्त बने हुए बच्चों को न अपने प्रति दूसरों के प्रति कोई भी बात सोचने में समय नहीं देना चाहिए एक सेकंड में अंदर से टचिंग आए कि यही होना है और यही राइट भी है बाप दादा ने कहा संगम युग मनाने का युग है चाहे तो अंतर्मुखी बनकर अतन्द्रिय सुख की मौज मनाओ चाहे महादानी बन आत्माओं को महादान दो चाहे आपस में रूह रिहान करो डांस करो एक दो की विशेषताओं को देखो एक दो की विशेषताओं की खुश बोलो ये युग मनाने का युग है कमाने का युग है और जमा करने का युग है संगम युग पर आप गवाना भी देखते हो और मनाना भी देखते हो गवाने के बाद ही मनाने का महत्व होता है तो अभी गवाने को बिंदी लगाओ एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए अगर कमाने के समय गवाएंगे तो कमाएंगे कब फिर तो समय मिलना ही नहीं सबसे बड़ा खजाना कौन सा है समय का खजाना संकल्प का खजाना और ज्ञान का खजाना तीनों को प्रत्यक्ष कर्म में दिखाओ ज्ञान सुनना और सुनाना ये तो प्रारंभिक स्टेज है लेकिन ज्ञान का अर्थ है लाइट और माइट तो मन वचन और कर्म में लाइट और माइट दिखाई दे तब कहेंगे ज्ञान युक्त जीवन अगर किसी प्यासे को आप छत्तीस प्रकार का व्यंजन दे दो तो वो संतुष्ट नहीं होगा तो देखो विश्व की आत्माओं को इस समय क्या चाहिए एक बूंद स्नेह के प्यासे हैं एक बूंद शांति के प्यासे हैं तो उनकी स्नेह की और शांति की प्यास बुझाओ आप किसी को भी प्रोग्राम करने के लिए ना नहीं करो अगर परिस्थितियाँ उनको प्रोग्राम में आने से रोकती हैं तो भले रोके लेकिन आप दाता के बच्चे हो इसलिए ना नहीं कर सकते आप तो उनको यही कहो कि आपका स्वागत है आप आइए प्रोग्राम अटेंड कीजिए लेकिन अगर परिस्थिति उन्हें समय पर पहुंचने में अड़चन डालती है तो वो अलग बात है लेकिन आप तो दाता के बच्चे हो, हो, देने वाले हो, ना कभी भी कर ही नहीं सकते हो अभी आप हरेक को विश्व की आत्माओं को दाता बनकर के, रहम दिल के कुछ न कुछ देना ही है चाहे मनसा द्वारा दो चाहे शुभकामना द्वारा दो चाहे सकाश द्वारा दो चाहे आध्यात्मिक ज्ञानयुक्त बोल द्वारा दो और चाहे स्नेह युक्त संबंध संपर्क द्वारा दो कोई भी वंचित न रहे दाता बनो रहम दिल बनो सभी को दो अपनी अपनी भाषा में हर कोई बाप के आगे चिल्ला रहा है शांति दे दो सुख दे दो दिल का प्यार दे दो प्रेम की किरण दे दो पर बाप देंगे कैसे आप बच्चों के द्वारा ही तो देंगे ना? किसी को कोई चीज दी जाती है तो हाथों के द्वारा दी जाती है तो बाप के हाथ कौन है आप बच्चे ही तो बाप के राइट हैंड है ना और आपके राइट हैंड होने का एक यादगार भी है पता है कौन सा यादगार है विराट विराट रूप रूप का चित्र कभी रूप चित्र कभी हाँ देखा है के के में भगवान कितने हाथ दिखाए तो ये सब आप बच्चों की यादगार हैं बाप दादा हर आत्मा को आप बच्चों के माध्यम से सुख शांति की अंचली जरूर दिलाएगा सोचो अगर उन्हें अंचली नहीं मिलेगी तो वो कितना तड़फेंगे अभी हद की छोटी छोटी बातें हद के स्वभाव हद के संस्कार में समय मत गवाओ हद की बातें हद के स्वभाव संस्कार अलबेलापन चतुराई नटखटपना पना बहुत समय से बाबा बच्चों का देख रहे हैं और बच्चे सोचते हैं सब चलता है कौन देखता है कौन जानता है लेकिन बाप रहम दिल होने के कारण देखते हुए भी जानते हुए भी रहम कर रहे हैं लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि ये रहम भी कब तक समय भी सवाल पूछता है प्रकृति भी सवाल पूछती है कब तक आप जवाब दो अभी तो बाप का पाठ चल रहा है टीचर और सतगुरु तो है ही लेकिन बाप के रूप में अक्षमा का सागर अक्षमा करता जा रहा है लेकिन अक्षमा का सागर भी कब तक जब धर्मराज का रूप धारण करेगा तब क्या होगा बाप दादा तो चाहते हैं कि जब बाबा धर्मराज का रूप धारण करें तब भी वह बच्चे वह बच्चे का आवाज गूंजे फिर ये मत कहना कि बाबा आपने पहले क्यों नहीं बताया अगर आप पहले से बता देते ना तो हम तैयार हो जाते इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में हद के स्वभाव में हद के संस्कार में अपना समय मत गवाओ चल रहे हैं चलता है नहीं खाता जमा हो रहा है दो गुना तीन गुना सो गुना खाता जमा हो रहा है अब इस दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ समय को देखो सेवा को देखो सेवा बढ़ती जा रही है और समय दौड़ता जा रहा है तो आप हद की बातों के पीछे मत दौड़ो तो बेहद की वृत्ति और बेहद का स्वमान आपके पीछे अपने आप दौड़ेंगे अब अपनी दृष्टि वृत्ति कृति को बेहद का बनाओ अब सेवा में अनुभूति की खान खोलो केवल चक्कर लगाने वाले परवाने मत बनाओ फिदा होने वाले परवाने बनाओ अनुभवी परवाने बनाओ अनुभवी परवाने कैसे बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से तो अभी अनुभव स्वरूप बनकर दूसरों को अनुभव कराओ अनुभव स्वरूप बच्चे बाप दादा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ेंगे अभी ये तो कहते हैं कि स्थान बहुत अच्छा है स्वर्ग जैसा है जो प्राप्ति होनी है वो इसी स्थान से होनी है लेकिन अब उनके दिल का कनेक्शन क्षमा के साथ जुड़े अर्थात बाप दादा के साथ जुड़े और फिर शमा के पीछे पीछे चलते रहें तब सक का पाठ शुरू होगा और साक्षात बाप प्रत्यक्ष भी होंगे तो अभी बेहद में आओ बेहद बाप के बच्चे हो हर संकल्प बेहद के कल्याण का हो हद में तो तिरसठ जन्म रह लिए गमाया ही गमाया। अब बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति के लिए दृष्टि वृत्ति कृति सब चीजें बेहद की बनाओ ओम शांति